लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए चेतन भाई, ये डराने का नहीं, हार्ट अटैक आ सकता है। आ चादर मा सूचे सूसू। वो नैनो है, नैनो उल्टी करके पड़ा है ना, उसको लेके जा रहा हूँ। मैं मदद करूँ क्या? नहीं 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 नहीं, तू जा, तू जा, जाओ जाओ, मैं हूँ ना। है जाओ है? जाओ जाओ। डरा देता है यार। नुनू बाहर तक चादर मा कौन छे? लोचो छे लोचो, ए बगुवाई। अरे सर सर सर, ये क्या है? अबे जब बाहर जा, घुसी जी आ रही, उन्हें आने से रोक, जा। अरे सर एक मिनट देखने तो दो यार, बहुत टाइम से दर्शन नहीं किया। अरे जा। अरे क्या सर, सो मीन। हाय हाय, चेतु जी है? नहीं अभी वो आप नहीं मिल सकते उनसे, अभी बिजी हैं। किस में बिजी हैं? उनकी उनकी तबीयत खराब है। हाँ तबीयत खराब है फिर तो मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको मिलेंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। हटो। अरे चेतु जी, चेतु जी, चेतु जी, चेतु जी। चेतु जी। खुशी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे सांस नहीं ली जा रही है। I think I need mouth to mouth respiration. चेतु जी, चलिए चलिए आप अंदर बैठ। नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, मैं जमीन पे बैठ जाता हूँ। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ खुशी जी। जमीन पे? I'm very grounded. आइए आइए आइए। चेतु जी ये क्या बचपना है, चलिए चलिए मैं यही लेट जाता हूँ। चेतु जी अंदर लेट जाइए, बिस्तर पे लेट जाइए। खुशी जी, मैंने आपसे कहा था ना अंदर मत जाइए। आइए आइए, यह है मेरी शिष्य माँ फिरंगिनी और मैं इसे ध्यान सिखा रहा हूं। बिना कपड़ों के? यस, नग्न मुखासन। ध्यान का एक ऐसा स्टेज जहां इंसान एक के बाद एक अपने कपड़े उतार कर नंगा सीधा प्रभु के पास चला जाता है। लेकिन चेतु जी नंगा क्यों? जरा सोचिए, बैनियन ट्री कभी चड्डी बनियान पहनता है? नहीं। घोड़ा कभी फ्रॉक पहनता है? नहीं। बकरी कभी मिनी स्कर्ट पहनती है? नहीं। तो इंसान कपड़े क्यों पहने? क्यों? That is नग्न मुखासन। चेतु जी, yes? मुझे भी नग्न मुखासन करना। नहीं, 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 पहले वो ऑर्डिनरी वाला तो सीख लीजिए। वैसे भी ना खुशी जी, नग्न मुखासन का जो मजा है वो सिर्फ रात को आता है। आप मुझे सिखा दीजिए। 100%। बैंक की लोन की तरह सांस अंदर लो और इंस्टॉलमेंट की तरह धीरे धीरे बाहर छोड़ो। शर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। अरे बगू भाई, आ तो नागा नागा योगा करे छे। नग्न मुखासन। अरे आसन तो एकदम आसान छे। मैं भी नागा नागा आसन करूंगा। अभी जाओ। भागु जी कहाँ हो आप? खोल दो क्या मैं आंखें? खोलो खुशी जी आंखें। सरप्राइज तैयार है। अंकल जी, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। पता है, जंग में मरते मरते दुश्मन भी यही कहा करता था। दुश्मन, you're so handsome, अलविदा। Really? पता है भगुजी, मुझे बचपन से ही यूनिफॉर्म में लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मुझे यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा। अब यूनिफॉर्म में मुझे देख के प्यार हो रहा है कि नहीं? Come on, give me some time. और कितना टाइम?
जंग शुरू हो गई तो मुझे जाना पड़ेगा। वो छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना है। अपने घर वालों से? नहीं, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे बिरादरी वालों से। इट्स अ सरप्राइज, चलो। बिरादरी? इट्स अ सरप्राइज, चलो। बिरादरी? खुशी जी, मेरी तो कोई बिरादरी नहीं। मेरा विजन जा रहा है। अरे कम ऑन भगू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम भगत भोसले। भोसले के हौसले ने दुश्मनों के घोसले तोड़ दिए। यही है वो जाबाज ऑफिसर जिनकी कहानी मैं तुम्हें सुना रहा। दुश्मनों से लड़ते लड़ते ये अपनी आंखें खो बैठे थे, लेकिन बॉर्डर पे जाने के जुनून में इनकी आंखों का डिसऑर्डर ऑर्डर में आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ बिग हैंड। मिस्टर भगत, आप कौन से बैच से हैं? आपका कमांडिंग ऑफिसर कौन था? आप कौन सी शिप से लड़े थे? आए ना समला या चक्रा? सर, आप कौन सी बटालियन से थे, कौन सी टुकड़ी से? आपकी पोस्टिंग कहाँ है? देंगे देंगे देंगे, आपके सवालों का जवाब ये जरूर देंगे। ओवर टू द इम्पोस्टर। अब मेरा मतलब है पोस्टर बॉय ऑफ द नेवी। भगत जी, कुछ तो बोलिए, सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। मिस्टर भाटोड़ेकर, आप ये जानना चाहते थे ना कि मैं कौन सी शिप, कौन सी रेजिमेंट से हूं? सर, रेजिमेंट जरूरी नहीं है, कमिटमेंट जरूरी है। मिस्टर नामुद्री पाद, आप ये जानना चाहते थे कि मैं कौन सी शिप से हूं, आईएनएस हमला या आईएनएस चक्रा? सर, मैं किसी भी शिप से नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान से हूं, हिंदुस्तान से। शांतिलाल, तुम ये जानना चाहते थे कि मैं किस बटालियन, किस टुकड़े से हूं? यहां देश के टुकड़े 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 हो रहे हैं और आपको टुकड़ी की पड़ी है जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन से साल में जंग लड़े थे बताइए इन्हें। अरे बताइए, कौन से साल में? ये सब जंग आप लड़े थे? जब जब भारत माँ के लिए कोई जवान शहीद हुआ है, जब जब भारत माँ के लिए कोई जवान सरहद पे लड़ा है, मुझे लगा है कि मैं लड़ रहा हूँ। वाह 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 वाह। लेकिन ये जज्बा ये सिविलियन समझेंगे? ये जज्बा सिर्फ हम फौजी ही समझ सकते हैं। Because we are the sons of Motherland India. Motherland India.